19 एप्रिल रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी शहर व ग्रामीण पोलिसातर्फे संपूर्ण जिल्ह्यात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नागपूर लोकसभा मतदारसंघात 6,500 अधिक जवान व अधिकारी कर्तव्यावर राहणार आहेत. जिस दिन से आचार संहिता डिक्लेअर हुई है उस दिन से हम लोगों ने पूरे शहर में रूट मार्चेस, एरिया फैमिलियराइजेशन, जो भी हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली थी वो और हमारी लोकल पुलिस, हमने पूरे एरियाज में रूट मार्चेस किए हैं और घूमे हैं और ये सबको बताने की कोशिश की है कि सब लोग जो हैं फ्री और फेयरली इलेक्शन प्रोसेस में भाग लें, अपना वोट डालें ज़रूर और किसी को किसी भी चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है. पुलिस हमारे पास में सफिशेंट है, पूरे जो बूथ्स हैं वो सब हमने कवर किए हैं, पूरे जो भी सेंसिटिव एरियाज लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको लगते हैं उन सब में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई हैं और हमारी लोकल पुलिस भी लगाई गई है, जिससे कि सब लोग विश्वास के साथ में अपना वोट डाल सकें और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो.